नूपुर शर्मा को 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए एक जानबूझकर दिया गया बयान है। आखिर ये 2024 के चुनाव की तैयारी है? समझिए, ये देश सबका है। बाबा साहब 2020 के मामले में जुबैर की गिरफ्तारी करती है, दिल्ली पुलिस नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं करती, ये रिश्ता क्या कहलाता बता दीजिए। रामायण के हिसाब से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौन स्वीकृति है, चाहे देश में जितने मर्जी नफरत की जहर घोलो प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, नूपुर शर्मा जैसे लोगों को जेल के सलाखों में डाल दिया जाए तो हिंदुस्तान के सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। क्या गए सियावर रामचंद्र जी 2012, 13, 14 में चीखने वाला चिल्लाने वाला 2022 में गूंगा बहरा हो जाएगा कि मशरूम ज्यादा खा ली है कि प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकल रही है? जो प्रधानमंत्री हर जगह फोटो सेशन कराता हो, जो प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट कर देता हो, उनको भारत के इंसानों की कोई चिंता नहीं है, है? पंकज जी कैसे देख रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सुनवाई होनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगा दी, यहाँ तक ये कह दिया है कि टीवी पर जाकर के पूरे देश से माफी मांगे, आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, एक आम जनता के द्वारा अगर स्पीच दिया गया होता तो आप समझ सकते, एक राष्ट्रीय पार्टी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत नूपुर शर्मा को 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए एक जानबूझकर दिया गया बयान है। अगर नहीं दिया गया होता तो प्रधानमंत्री जी एनएसए और यूपीए पर कार्रवाई की बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जी, देश जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जब समतामूलक समाज की बात कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर सभी धर्मों के सम्मान की बात कहते हैं, ऐसे में कैसे कोई खुला घूम सकता है? आपने देखा होगा उसी बयान की प्रतिक्रिया, जब राजस्थान में ये घटना होती है, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने 5 से 6 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की। ये वाकई काबिले तारीफ है। क्या प्रधानमंत्री जी यति नरसिम्हानंद और आनंद स्वरूप, कालीचरण, अश्विनी उपाध्याय, प्रवेश साहेब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, तमाम जो नेता जो धार्मिक विद्वेषता से ग्रसित होकर अपने ही देश को बर्बाद करने के लिए इस तरीके का बयान देते हैं, ये एक घटिया मानसिकता, एक चीप क्वालिटी का बयान है। एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता, वो भी पढ़ी लिखी छात्र नेता रही हैं, वो ऐसे कैसे बयान दे देगी? आखिर ये 2024 के चुनाव की तैयारी है? समझिए, ये देश सबका है। बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिया है, यहाँ सभी जाति सभी धर्म के लोग रहेंगे। इससे चुनाव का क्या करेंगे? स्टार प्रचारक बनाएगी भाजपा, जैसे जो कपिल मिश्रा, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री को सर्किट में शामिल होने का आरोप लगाया था दिल्ली विधानसभा में, जो कपिल मिश्रा के बयान के बाद दिल्ली में दंगे हुए थे, पूरे हिंदुस्तान घुमाया जाता है। जिनकी जरूरत जेल के सलाखों में होना चाहिए जगह, उनको पूरे देश में नेता बनाकर घुमाया जाता है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सख्त टिप्पणी कर दी है ना, माफी मांगने को कह दिया कि टीवी पर जाकर के पूरे देश से माफी मांगे, वही जो कह रहे हैं कि उनका भाई, जब नूपुर शर्मा जैसे लोगों को एनएसए यूपीए के तहत जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाएगा तो कोई भी माइका लाल हिम्मत नहीं करेगा देश में किसी के भी खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का, जिससे सामाजिक ताना बाना खराब होता हो, ये कहीं ना कहीं। और दूसरी बात एक चीज समझ में नहीं आती है, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान राष्ट्र गृह मंत्री तो पूरे देश के गृह मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हर जगह फोटो सेशन कराता हो, जो प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट कर देता हो, उनको भारत के इंसानों की कोई चिंता नहीं है, हैं? कि देश में किस तरीके का वातावरण तैयार हो रहा है, देश कहाँ जा रहा है, देश धार्मिक नफरतों में, जातीय नफरतों में देश कमजोर हो जाएगा। प्रधानमंत्री को ट्वीट करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संबोधन करना चाहिए था कि ये देश सभी जाति और सभी धर्म के लोगों का है, यहाँ सभी लोगों का समान रूप से अधिकार है। प्रधानमंत्री की चुप्पी ये दर्शाता है। हम लोगों ने रामायण देखी,
प्रभु श्री राम राज्याभिषेक से पहले अपने माता और पिता से मिलने जाते हैं, सौतेली माँ के कई वनवास के लिए कहती हैं, और प्रभु श्री राम चूंकि उनके पिता राजा दशरथ मौन थे तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब पिता की मौन स्वीकृति है। रामायण के हिसाब से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौन स्वीकृति है। चाहे देश में जितने मर्जी नफरत की जहर घोलो, जितने मर्जी उपद्रव करो, प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। भाइयों एवं बहनों, मित्रों, अरे भैया कहाँ हो गया, क्या हो गया, क्या गए सियावर रामचंद्र जी? 2012-13-14 में चीखने वाला चिल्लाने वाला 2022 में गूंगा बहरा हो जाएगा कि मशरूम ज्यादा खा ली है कि प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकल रही है। प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संबोधन करना चाहिए, सोशल मीडिया के पेजों पर डालना चाहिए, ट्विटर पर डालना चाहिए, इंस्टाग्राम पर डालना चाहिए कि सभी देशवासियों को एक होकर रहने की जरूरत है। देश को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ पूरे देश को इकट्ठा होकर रहना चाहिए। ये कैसी विडंबना है। अच्छा, अब उन लोगों का क्या कहना चाहेंगे जो लोग नूपुर शर्मा का जो है एक तरफ जो है समर्थन किया जा रहा था नूपुर शर्मा के बयान को लेकर के, दूसरी तरफ इसका विरोध किया जा रहा था। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी अपनाई है तो वो कॉम्बिनेशन को कैसे देखेंगे? देखिए, ये सब इन्हीं के लोग हैं। कोई भी आदमी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो संविधान के विपरीत काम करता है तो हम सबका परम दायित्व होता है, परम कर्तव्य होता है, हम उसका विरोध करें, चूंकि वो देश हित में नहीं है। सबसे पहले देश है अपना, देश के सभी नागरिकों का समान अधिकार है, उनके लिए सभी कानून व्यवस्थाएं हैं। देश में किसी को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आप उस पर जुल्म करने की इजाज़त हमारा संविधान नहीं देता है। ऐसे में कैसे नूपुर शर्मा को लोग समर्थन दे कर सकते हैं? फिर से विवेक अग्निहोत्री ने इस टिप्पणी के बाद बयान दिया है, मतलब ट्वीट किया है। देखिए, सस्ती लोकप्रियता के कारण लोग अनाप शनाप कुछ भी बोल जाते। चूंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गूंगे और बहरे हो चुके हैं, उनके कानों में कुछ सुनाई नहीं देता, उनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती। अगर विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों को, नूपुर शर्मा जैसे लोगों को जेल के सलाखों में डाल दिया जाए तो हिंदुस्तान के सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। ये असली विवाद के जर हैं, ये जानबूझकर ऐसे छोड़ा जाता है। तो आपके मन में क्या चल रहा है देख करके? देखिए, निश्चित तौर पर हमें सीखने की जरूरत है। निश्चित तौर पर भारत के लिए खतरा मंडरा रहा है, और देश के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को, जो लोग देश से प्यार करते हैं, उन सभी लोगों को धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले जो लोग, विचारधारा के लोग हैं, उनका विरोध करना चाहिए। सरकार को उनको जेलों के अंदर बंद कर देना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि देश के अंदर बीजेपी और आरएसएस जो है देश का माहौल खराब करना चाहती है, आपकी इस पर क्या राय है? निश्चित तौर पर 2014 के बाद देश का माहौल बद से बदतर कर दिया गया। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे, लोग एक दूसरे से के पास जाने से करने लग गए। इसमें टीवी चैनलों का भी बड़ा योगदान है, और वो सरकारी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी तक क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस 2020 के मामले में जुबैर की गिरफ्तारी करती है, दिल्ली पुलिस नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं करती, ये रिश्ता क्या कहलाता बता दीजिए। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के निर्देश के हिसाब से ही नहीं कर रहा होगा ना, आप समझिए। आखिर क्यों नहीं, कानून जब सबके लिए बरोबर है, किसी भी इस निंदा करने वाले लोगों पर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या कानून भी जाति और धर्म के हिसाब से चलेगा? क्या कानून की सभी धाराएं जाति और धर्म पूछ कर काम करेगी? आप समझिए। तो दिल्ली पुलिस को चाहिए कि अपनी ईमानदारी, जो अपनी छवि दिल्ली पुलिस की पूरे भारत में है, उसको बरकरार रखते हुए एनएसए और यूपीए के अंतर्गत नूपुर शर्मा को गिरफ्तार कर जेल में डाल देना चाहिए, ताकि दूसरा कोई फिर से ये हिम्मत न कर पाए कि धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश कर पाए। चलिए,
तो ये रहे पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, जिनसे हमने खासा बातचीत करी। हालांकि आज नूपुर शर्मा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जब से सख्त टिप्पणी करी है, तब से लेकर के जो है राजनीतिक गलियारों में हलचल मचना शुरू हो गया है।